मित्रों, आज बेंगलोर से बहुत ही दुखद समाचार मिले. हिज होलीनेस डॉक्टर श्री 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 शिवकुमार स्वामी गालू के निधन के. सबसे पहले तो मैं अपने व्यक्तिगत और पार्टी की ओर से उनको श्रद्धांजलि देता हूं, उनका नमन करता हूं. My condolences on the death of His Holiness Dr. Shri 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 Sivakumar Swami Galu. Swamiji had headed the Sri Siddhaganga Mutt in Tumakuru and has passed away at the age of 111 years after several weeks of treatment. He was often referred to as the walking god and one of the most respected religious and social practitioners, not just of the Lingayat community, but I think of all of humanity. His Holiness Dr. Sri 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 Sivakumara Swami Galu lived for the people of India, especially the poor and the vulnerable. He devoted himself towards alleviating evils like poverty, hunger, social injustice. And I think all of us join the people of Karnataka in paying homage to His Holiness Swamiji, and we pray that his soul may rest in peace, and we stand in solidarity with his countless devotees spread all across the world. मित्रों, आज एक बहुत ही गंभीर समस्या देश के सामने और लोकतंत्र के सामने पश्चिम बंगाल में उभर के आ रही है. मुझे लगता है जिस प्रकार से त्रिपुरा में लगभग शून्य से लेकर सीधा 51% तक भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बढ़ा और पूरी तरीके से वहां पे सरकार को लोगों ने नकारा, लेफ्ट गवर्नमेंट को वहां से बाहर किया और भारतीय जनता पार्टी को पूरा वर्चस्व दिया राज्य सरकार को संभालने के लिए. इसी प्रकार से शायद पश्चिम बंगाल में भी आज ममता दीदी को चित्र उभरता हुआ स्पष्ट सामने दिख रहा है. वो डर गई हैं, ममता दीदी आज डर गई हैं. उनको साफ दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ वर्चस्व, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का लोगों के बीच लगाव, लोकप्रियता. और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के लगभग हर कार्यक्रम में रोड़े अटकाने की, तकलीफें डालने की, अड़चने डालने की पूरी प्रयत्न में पश्चिम बंगाल की सरकार पूरी तरीके से जुट गई है. वैसे देखो तो हम रैली के लिए परमिशन मांगते हैं, रैली नहीं होने देते. हम यात्रा निकालना चाहते हैं, यात्रा को रोक दिया जाता है. माननीय अमित शाह जी के हेलीकॉप्टर तक को उतरने की परमिशन के लिए हर प्रकार की अड़चन डाली जाती है. नहीं, यहां नहीं उतार सकते, वहां उतारो, वहां नहीं उतार सकते, तीसरी जगह उतारो. अब सभा स्थान एक जगह पे मालडा में कल है, कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी मालडा में जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं. बगल में हवाई अड्डे पे चॉपर की लैंडिंग स्ट्रिप है, कह दिया जाता है वहां पर रिपेयर का काम चल रहा है और चॉपर अलाउ नहीं करेंगे. मैं तो अभी अभी देख रहा था एक समाचार वेबसाइट में, उसका पूरा चित्र भी दिखाया गया है और एकदम क्लियर हेलीपैड की साइट है. कोई अड़चन नहीं है, कोई रिपेयर का काम नहीं चल रहा है, पूरा क्लीन है एरिया वहां पे. और हाल ही में थोड़े दिन पहले ममता जी का भी हेलीकॉप्टर वहां उतरा है, लेकिन अमित शाह जी के हेलीकॉप्टर का इतना खौफ है और मैं समझता हूं ये खौफ बार बार देखने को मिल रहा है. ये डर तृणमूल कांग्रेस का और ममता दीदी का
स्पष्ट हो रहा है जिस प्रकार से वहां पे राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं, जिस प्रकार से वहां जब लोकल बॉडी के चुनाव थे कैंडिडेट्स को अपना नामांकन पत्र नहीं भरने दिया, नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भरने दिया, जिस प्रकार से दिन दिहाड़े हत्याएं पश्चिम बंगाल में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हो रही हैं, हमने बाइक रैलीज निकालने की रिक्वेस्ट करी, उसको नामंजूर कर दिया हमारे युवा शक्ति को, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को बाइक रैली की परमिशन नहीं दी, उल्टे कलकत्ता हाईकोर्ट को, राज्य सरकार को आड़े लेना पड़ा, सवाल पूछना पड़ा कि भाई क्यों मना कर रहे हो, एक बाइक रैली निकाल रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आखिर कानून व्यवस्था राज्य सरकार का काम है। पीछे पंचायत चुनाव में 36 भाजपा के कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्याएं हुई, लगभग 1300 से अधिक लोग इंजर हुए, और पूरे राजनीतिक हत्याएं देखे तो उस दौरान 80 लोगों की राजनीतिक हत्या, किस प्रकार की कानून व्यवस्था आज पश्चिम बंगाल में चल रही है। और मैं समझता हूं जिस प्रकार से ये 7 साल का शासन तृणमूल कांग्रेस और ममता बैनर्जी जी का रहा है, ये स्पष्ट दर्शाता है कि वहां पे एक प्रकार से पूरी कानून व्यवस्था काबू के बाहर है। शायद बंदूकों के और डंडों के जोर पर राजनीति चलाने की अधीन हो गई है वहां की सरकार, वहां के राजनीतिक दल, और हमें सबक सिखाने की कोशिश होती है लोकतांत्रिक मूल्यों पर। पर मैं पूछना चाहूंगा कि ये जितने मित्र दल इकट्ठे हुए थे उनको आज वहां की लोकतांत्रिक परंपरा ध्वस्त हो रही है उसके बारे में क्या कहना है, कांग्रेस क्या कहना चाहती है वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर। वैसे तो अगर हमारी सरकार कोई राजनीतिक दल के इतने वरिष्ठ नेता की रैली ना होने दे तो पूरे देश में बवाल मच जाएगा इंटॉलरेंस का। मुझे तो शक है मीडिया के भी हमारे भाई बहन शायद मुझे और हमको छोड़ेंगे नहीं, इंटॉलरेंस का पूरा लेबल लगा देंगे कि आपने रैली नहीं होने दी, आपने पब्लिक मीटिंग नहीं होने दी। और यहां तो बार बार अड़चने लगाई जा रही है, ना हमारी यात्रा निकालने दे जा रही है, ना रैली होने दे जा रही है। जब बहुत प्रेशर आता है, पब्लिक प्रेशर आता है, तब बड़ी मुश्किल से एन वक्त पे फिर सरकार यू टर्न करके परमिशन देती है उस उम्मीद में कि शायद अब इतनी देर हो गई कि जनता ना पहुंच पाए। पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगा आज पश्चिम बंगाल की जनता पूरी तरीके से राज्य सरकार की नाकामियों से परेशान है, दुखी है, और मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ताकत देके इस आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में विजयी बनाएगी। मैं समझता हूं तृणमूल कांग्रेस ने त्रिपुरा का जो हाल हुआ वो अब पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी बड़े रूप में उभर गई है, उभर रही है, लोग अलग अलग पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी की तरफ तेज गति से आकर्षित हो रहे हैं। और ये जो नीति है जहां पे दुर्गा पूजा भी नहीं करी जा सकती है, ना कोई पॉलिटिकल रैली करी जा सकती है, ना सरस्वती पूजा या रामनवमी के ऊपर परमिशन देने की स्थिति में है सरकार, यह दर्शाता है पूरी तरीके से फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम। और पश्चिम बंगाल की सरकार को, जनता को इस चीज का हिसाब देना पड़ेगा, जनता इसका पूर्ण रूप से हिसाब आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी से जरूर मांगेगी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का पूरा विश्वास है। कल मालडा में माननीय अमित शाह जी की जनसभा होगी और भारी संख्या में वहां पे जन सैलाब आने वाला है मुकाबला करने के लिए तृणमूल कांग्रेस के अत्याचारों का, और लोकतांत्रिक शक्तियों को और प्रबल और मजबूत बनाने के लिए
मुझे विश्वास है अपने बंगाल के भाइयों बहनों पे कि वो किसी भी प्रकार के दिक्कतें सह के भी इस प्रकार के अन्याय को का सामना करेगी और अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। धन्यवाद। अब वो वहां पे परिस्थिति जैसी डेवलप होती है उस पर निर्णय लेंगे, वहां के हमारी इकाई इस पर निर्णय लेगी। मैं समझता हूं दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ एनार्की एंड फेलियर ऑफ टोटल स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी दैट इवन द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स रैली इफ दे डोंट अलाउ इट्स अ कंप्लीट कोलैप्स ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम एंड आई थिंक द लीडरशिप हैज फेल्ड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड प्रोबेबली एक्सट्रीमली वरिड दैट द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल हैव लॉस्ट द ट्रस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. I think the leadership of Trinamool Congress is realizing that their days are numbered. The people of West Bengal, Pashchim Bengal are looking for change. Thank you. Thank you.